राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। ग्यारह दिसंबर को आए चुनावी नतीजों में ये साफ हो गया कि राजस्थान में होगी कांग्रेस की सरकार, लेकिन अभी तक इस बात पर संशय बना हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट। चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर कई बैठकें हुई हैं, जिसमें इस बात पर मतभेद हुआ कि राजस्थान को एक अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए या फिर एक युवा मुख्यमंत्री जो पूरी गर्मजोशी के साथ काम करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात पर ये फैसला बताया कि राजस्थान को चाहिए एक अनुभवी मुख्यमंत्री और वो है अशोक गहलोत, लेकिन इस बात को लेकर सचिन पायलट अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक राजस्थान में जितने भी कार्य किए वो हमने किए और अशोक गहलोत तो 5 साल तक राजस्थान में थे ही नहीं, वो लगातार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और अब जब मुझे मेरी 5 सालों की मेहनत का फल मिलने वाला है और उस फल स्वरूप मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, तो आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान को एक अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए। जब तक आप युवाओं को मौका ही नहीं देंगे तो यहाँ पर उन्हें अनुभव की प्राप्ति कैसे होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ही लेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे या फिर सचिन पायलट, और अंतिम फैसला भी इन्हीं का होगा। अब राहुल गांधी का फैसला जो भी हो, लेकिन आप किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।